Hi guys, good evening. My name is Narendra Kumar. Welcome to a wonderful channel, Unacademy Students Vault. And today I have erratic action questions, more than 50 questions, I guess. Okay. And the question is, can you answer all correctly? Okay. If not, then I'm here to help you. Okay. So, erratic action ka jyada portion nahi hota hai, but again, wo chote se marks hain, bahut jyada attention chahiye hota hai. Okay, so my focus is that I'll teach you the new pattern, the difficult ones, the keyword approach questions, okay, vertical reading approach, skill tone, remember? Okay, and I will keep teaching you, okay, the grammar part. Grammar ke sare rules, rules bhi main aapko padha raha hun, okay, and terminology bhi padha dunga main aapko, aur agar aapke paas jyada time nahi hai, okay, if you don't have much time, to aap plus course to join karna hi karna hai aapko sabko. ठीक है प्लस कोर्स इज लाइक ठीक है वन टाइम आप एक बार कोर्स कर लो एवरीथिंग विल चेंज अबाउट यू एंड दोज गाय जो पहली बार कंपटीशन में आ रहे हैं उनको तो रिकमेंड कर देना ऑलराइट कि सबसे पहले यूट्यूब नहीं देखो एक दो वीडियो यूट्यूब का दिखा दो उनको कन्विंस करने के लिए एंड देन उनको मेरा कूपन कोड बता देना और प्लस कोर्स ज्वाइन करा दो ये आप उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट करोगे सबसे बड़ा हेल्प करोगे ऑलराइट सो द ग्रामर पार्ट and the new pattern part simultaneously log chalte rahenge and sabko pata hai ki 9 to 11 hamara theek hai most of the time 2 hours class raha karega maybe every day theek hai so november month mein pura hum log 2 hours chalane wale hain to watch karte rehna aur isme main aapko pehle se bata dun aaj ka to 1 ghante ka class hai it's a recorded class okay so keep interacting okay keep posting all the answers and I'll be live in the comment session ओके दो जो और दोस्त गाइस जो इसको ऑफलाइन वॉच करते हैं आई हैव अ मैसेज फॉर यू आपके अंदर जो आपके पास जो भी क्वेरी है एनी डाउट है कमेंट में लिख दिया करो ऑल राइट एंड इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर टॉपिक प्लीज लेट मी नो आई एम हेयर टू हेल्प यू टू गिव यू कॉन्फिडेंस बैक जो सबका खो गया है ऑल राइट चलो स्टार्ट कर देते हैं तो दिस इज आवर वंडरफुल टीम अनअकैडमी स्टूडियो टीम फॉलो ऑल दिस वंडरफुल एजुकेटर फॉर क्वांट रीजनिंग ओके बैंकिंग अवेयरनेस And one stop solution and academy, we are and we will be the best banking channel in India. Okay, and हमारी stories के through आप लोग seconds में question solve कर सकते हो. For quant we have Lokesh sir, for English we have 2 educators, and for reasoning, okay, Shyam sir, and for banking awareness current affairs we have Abhijit Mishra sir. इन सब को follow करो आप लोग. Okay, और notes बनाया करो हर class का. Abhijit sir का एक notebook बनाओ. Narendra sir एक notebook बनाओ. Okay, Lokesh sir एक notebook बनाओ. जो भी बात नई दिखती है लिखो उसको. दुनिया इंडिया का सारा बच्चा सीख रहा है तो मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ? मेरा student जो plus पे है वो आपसे 10 कदम plus है वो आपसे 10 कदम आगे है. ठीक है तो प्लीज़ आप भी अगर जानना चाहते हो वो आपसे हमेशा 10 marks ज़्यादा ही लेके आएगा नो मैटर वॉट 10 चलो 30 में से 10 ज़्यादा होता है 4 or 5 marks ज़्यादा ही लेके आएगा वो उसके अंदर क्लैरिटी रहेगी पर आप क्वेश्चन ओके एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन तो मैं चाहता हूँ कि आप भी बराबर आ जाओ और इक्वल चैंपियन बन जाओ चलो रेडी एंड क्विक इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप ऑन दिस ऐप यू विल फाइंड इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स ओके लाइव डाउट क्लासेस भी चलती हैं यहाँ पे एंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन वॉच दिस वीडियोस ऑफलाइन ओके सो वो बेस्ट पार्ट है जब आपके पास इंटरनेट है जैसे कि गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उनका इंटरनेट सही नहीं चलता है आप क्या करो साइबर कैफे जाओ या फिर किसी भी जो आपका दोस्त है ब्रदर सिस्टर रिलेटिव उसके यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है वाईफाई का पहला फ़ायदा उठाओ ठीक है ना तो आप जाओ सारे वीडियोज़ डाउनलोड कर लो एंड घर पर जा करके अपने गाँव में आराम से देखते रहो रिमोट एरियाज में रह रहे हो तो ठीक है वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम बस आप जाओ कंसेप्ट चाहिए वी हैव द रेडी और बताओ आपको क्या हेल्प चाहिए वी कैन हेल्प यू विद एवरीथिंग ऑलराइट एंड गाइस दिस इज माय प्रोफाइल ओके फॉलो माय प्रोफाइल एंड ये फॉलो बटन है और यहाँ प्रोफाइल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर कोर्सेज लिखा हुआ है मेरे कोर्स में जाया करो फ्री क्लासेस भी रहती हैं आपके लिए जो रिकॉर्डेड क्लास है द हिंदू क्लास पैराजम्बल क्लास मस्ट वॉच है उसको भी देखो राइट एंड मैं 9 से 11 बजे क्लास चलेगी हमारी ठीक है उसमें पैराजम्बल बहुत सारे रखा करूँगा मैं आपको टेढ़ी चीज़ जितनी है सब रखा करूँगा आर यू रेडी फॉर दैट और जितने भी स्टूडेंट्स को आप जानते हो कॉलेज जो फर्स्ट टाइमर्स हैं एक्सपीरियंसड हैं जो फेल होते रहते हैं स्पेशली उनको लेके आओ फर्स्ट टाइमर तो फेल हुआ ही नहीं कि उसने अभी ट्राई नहीं किया है लेकिन जो लोग 20-20 एग्जाम दे रखें 10 एग्जाम दे रखें और अभी भी उनको इंग्लिश में अगर 5 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए उनकी लाइफ बन जाएगी उनको ढूंढ के लेके आओ उनको हेल्प करो उनको इन्वाइट करो मेरे सारे पुराने वीडियोज़ हैं ट्रिक बेस्ड उनको दे देना और मैं यहाँ पर भी ट्रिक्स रिवाइज करूँगा रेडी गाइज ओके एंड दिस इज वॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट नरेन लाइव माई कोड
ठीक है, जो फेल होते हैं उनको, जो फर्स्ट टाइमर हैं उनको, और आप भी यूज़ दिस कूपन कोड, सब्सक्राइब टू माई पैड कोर्स, स्टार्ट वॉचिंग। बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, हर ग्रामर का पार्ट पहले कौन सा पढ़ा जाना चाहिए, फिर उसके बाद साइंटिफिकली कौन सा आना चाहिए, फिर कौन सा आना चाहिए, रैंडम कुछ भी नहीं, बहुत वेरी वेल प्लान्ड है। और एक क्लास में एक ही टॉपिक पढ़ाया तो मिक्स नहीं है, ठीक है, तो क्लैरिटी रहेगा। ओके, दिस इज़ द इंग्लिश, दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द सब टॉपिक्स, ये एरर वहाँ की है, ये एरर वहाँ की, इतनी क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी, तो कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, मार्क्स भी आ जाएंगे। रेडी गाइस, चलो आज हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं। गाइस स्टार्ट शेयरिंग द सेशन विद एवरीवन, ठीक है, लाइक कर देना ऑफ कोर्स, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एंड ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ पोस्ट योर ऑल योर पोस्ट योर स्कोर्स, कितना आपका स्कोर आया है आउट ऑफ 50, 55, आई डोंट नो, इतने कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में, तो उनमें से बताना कि सर आई गॉट 40 राइट, सर आई गॉट ऑल करेक्ट 100%, आई विल क्लैप फॉर यू, ठीक है। ऑफलाइन जब वीडियो हो जाएगा उसके बाद आप करना, और जो लोग ऑफलाइन वॉच करने वाले हैं तो वो भी बताना कैसा लगा वीडियो एंड स्कोर कितना रहा। रेडी गाइज, चलो एवरीवन रीड करो, और हाँ आई विल गिव यू 30 सेकेंड, सिंपल क्वेश्चन है बाबा, ओके, एंड देन 30 सेकेंड्स में मैं आपको, नेक्स्ट 30 सेकेंड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो, सो टाइम स्टार्ट्स नाउ, देयर इज नो टाइमर, बट दिमाग में टाइमर रखो। आई डू नॉट नो हु यू कंसीडर टू बी द बेस्ट डांसर। सब लोग देखो, प्लीज चेक, and my approach divide and rule, my point is कि there is a sentence, टुकड़े करो और फिर टुकड़ों को verify करो, subject verb okay, verb okay, preposition okay, object okay, article is okay, not okay, एक साथ पूरा पढ़ते हो आपसे skip हो जाता है, फिर आप feeling से करते हो, feeling नहीं करना है। चलो check करो, I do not know, सो आई डू नॉट नो, ये वाला पार्ट तो करेक्ट है, इसमें तो कोई पंगा नहीं है। सब लोग देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई डोंट नो करेक्ट एंड करेक्ट, ये पार्ट ओके, आई डोंट नो हु यू कंसीडर, ठीक है ना, अब हु मत लगाना बाबा, हु यू कंसीडर, तुम किसको मानते हो, कोई सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, तो कोई सब्जेक्ट वाला ही चाहिए, तो हु इज गुड, हु को टच मत करना, हु यू कंसीडर किसको आप मानते हो, किसी सब्जेक्ट को मानते हो आप, राइट, हु यू कंसिडर टू बी द बेस्ट डांसर, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आप अननेसेसरी है, तो आई डोंट नो हु यू कंसिडर द बेस्ट इंग्लिश टीचर। वैसे इंग्लिश टीचर गलत होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है, तो बोल चाल की लैंग्वेज में बोल देते हैं, बट करेक्ट रिटन और स्पोकन और फॉर्मल इंग्लिश में द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, द टीचर ऑफ फिजिक्स होता है। चलो, तो मैं करेक्ट यूज़ करूँगा आपके लिए, सो दैट एक करेक्ट एग्जाम्पल सेट हो जाए, सब कुछ समझ आ गया। आई डोंट नो हु यू कंसीडर द बेस्ट डांसर, यहाँ पे टू बी अननेसेसरी है, बी डोंट रिक्वायर्ड ऑक्सिलरी, ये वाला जो टू बी फॉर्म है ना, ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। क्लियर एवरीवन, प्लीज़ लिखो सर फर्स्ट क्लियर, आई एम गोइंग टू बी लाइव इन कमेंट सेक्शन जब ये वीडियो लाइव होगा, ओके, सो इफ एनी क्वेरी बता देना, मैं आपका क्वेरी उस टाइम पर बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे कोशिश करूंगा कि यहाँ कुछ बचे ना। आई डोंट नो हु यू कंसीडर, हु पे डाउट रहता तो वो करेक्ट है, हु यू कंसीडर, हम किसको कंसीडर करते हैं, किसी पर्सन को, सो करेक्ट आंसर, तो मींस ये वाला हमारे पास में इनकरेक्ट है। आई डोंट नो हु यू कंसीडर, कंसीडर व्हाट द बेस्ट डांसर, हर वर्ब से पूछो व्हाट और हुम, आदत डाल लो, रास्ते पर जा रहे हो कोई वर्ब मिले तो ये मत बोलना कि रास्ते पे जा रहा था भेलपूड़ी खा रहा था, नो, रास्ते पे जा रहा था व्हाट और होम पूछ रहा था, उसकी गलती हुई तो मैं क्या करूं, समझ गया मेरा पॉइंट, बट मैंने तो व्हाट और होम पूछा था, ओके, नेक्स्ट देखो, सब लोग देखो, नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन हियर, एवरीवन यू हैव 30 सेकंड्स गाइस, अच्छा इसको हॉर्स कौन पढ़ रहा है, ठीक है ना, हॉर्स जो घोड़ा होता है, हम्म,
आई नो कितने लोगों के दिमाग में आया था सर हॉर्स घोड़ा नो ये हॉर्स वो वाला नहीं है, वो हॉर्स होता है एच ओ आर एस ई, ये हॉर्स का मतलब होता है वॉइस। सर्दी हो गई, गाइस आई कैन नॉट टीच यू टुनाइट बिकॉज माई वॉइस इज डाउन, दिस इज हॉर्स साउंड। ओके, हॉर्स का मतलब होता है बहुत कर्कश आवाज, हिंदी में बोलते हैं। ओके, बहुत अनकम्फर्टेबल इरिटेटिंग वॉइस, नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ बैड थ्रोट, थ्रोट इन्फेक्शन, सबका होता है ना। तो आज नया वर्ड आपको मिल गया, तो चलो लिखो, साउंड है ठीक है ना, वॉइस ठीक है ना, नॉट क्लियर, ऑल राइट। चलो अब बताओ भाई क्या होने वाला है, कोई तेज आवाज या किसी वजह से ये आता है तो इसमें क्या होने वाला है। सो हॉर्स ही वॉज दैट, ओके ही वॉज दैट ही कुड नॉट मेक अ स्पीच, इतनी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ थी या ख़राब आवाज़ थी कि वो स्पीच नहीं कर पाया। तो ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? अब पता है क्या है, दो तरह की एरर होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर एरर एंड कौन बोलेगा स्टाइलिस्टिक एरर। प्लीज टाइप इन कमेंट सेक्शन इफ यू नो स्टाइलिस्टिक एरर, बिकॉज आई बीन टीचिंग यू और बिफोर माई क्लासेस आप में से किसी को भी पता नहीं था कि स्टाइलिस्टिक एरर भी होती है। एरर दो टाइप की होती है, ओके एरर कहाँ कहाँ से सोर्स होते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्शन अलग बात है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, एक तो होती है इज एम आर वाज वर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टाइप की एरर, एक होती है स्टाइलिस्टिक एरर, वर्ड ऑर्डर गलत होता है, स्पेलिंग गलत होती है, वो तो चलो ग्रामर में ही आ जाएगा वर्ड ऑर्डर। तो सो हॉर्स ही, ऐसा लग रहा है वो खुद हॉर्स था, वो खुद साउंड था, नो ही वॉज साउंडिंग हॉर्स, ही वॉज साउंडिंग हार्श, उसकी आवाज़ खराब थी ठीक है ना। तो हमारे पहले वाले पार्ट में गलती है भाई लोग, तो ही वॉज सो हॉर्स ऐसे कर लो सब लोग, सबने देखा करेक्ट हमारे पास में हो जाएगा ही वॉज सो हॉर्स। मैं क्लियर कर देता हूं, मतलब वो इतना ज्यादा हार्श था, ही वॉज, ओके सो एच ओ ए आर एस ई, एच ओ ए आर एस ई लिखा है ना, एच ओ ए आर एस ई, हाँ ही वॉज सो हॉर्स ठीक है, दैट ही कुड नॉट मेक द स्पीच, उसका गला इतना खराब था, इतना पंगा था उसके साथ में कि वो स्पीच नहीं कर पाया। लेडीज एंड जेंटलमैन क्लियर? चलो दो बातें सीखे इस क्वेश्चन में, एक तो हॉर्स की मीनिंग सीखे, हार्श साउंड, अजीब सा साउंड, इरिटेटिंग साउंड, नॉट क्लियर साउंड, खराब वॉइस बिकॉज ऑफ बैड थ्रोट, ओके। दूसरा वर्ड ऑर्डर भी गलत हो सकता है, ये हॉर्स अभी मॉडिफाई कर रहा था किसको, ही को, विच इज टोटली इररिलेवेंट इनकरेक्ट, ही वॉज नॉट हॉर्स, उसकी आवाज थी, उसका साउंड था इतना खराब। क्लियर सबको? अब तो सब क्लियर हो गया, तो ही वॉज सो हॉर्स। नेक्स्ट देखो गाइस, थर्ड नंबर एवरीवन, द किचन नीड पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डन, और मुझे कर देना चाहिए, किचन में पेंटिंग करानी है भाई लोग। सब्जेक्ट देखो, वर्ब देखो, एडवर्ब देखो, देखो देखो, अगेन वर्ड ऑर्डर मिस्टेक, यस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक, यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। शेयर द सेशन विद एवरीवन गाइस, अभी भी शेयर कर दो इन ऑल योर इंस्टाग्राम फेसबुक, हर जगह लिख दिया करो, हर रोज लिख दिया करो, दुनिया को पता चले कि तुम पढ़ रहे हो, दुनिया को पता चले कि एक बहुत अच्छा मैसेज दो, पॉजिटिविटी, ओके। आप अरिजीत सिंह के सॉन्ग करते हो, सैड सॉन्ग लगता है, लाइक क्या बेवकूफ़ बंदा बंदी है ठीक है ना, हार्ट ब्रेक हो गया इसका, रो रहा है ना, सबको बताओ कि आप ब्यूटीफुली बहुत हैप्पी होकर के पढ़ रहे हो, बहुत अमेजिंग कहानियाँ सुन रहे हो ठीक है। चलो हम किस तरह की चीज़ शेयर करते हैं, किस तरह की चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, दैट शोज अबाउट आर कमिटमेंट, अबाउट आर करेक्टर, अबाउट आर ओके विजन। चलो तो देखो, द किचन सिंगुलर, तो यहाँ पे मेरे को क्या मांगता है भाई लोग, नीड्स मांगता है, क्या मांगता है, नीड्स, सबको पता चल गया था। तो ओके, द किचन नीड्स पेंटिंग बैडली, बैडली इज एन एडवर्ब, एडवर्ब यूज्ड विद वर्ब ठीक है, इसको यहां लाना है, द किचन बैडली नीड्स व्हाट, पेंटिंग, और पेंटिंग यहां पे हमारा क्या है, जेरेंड है। क्लियर गाइस? तो यहां पे हम लोग कैसे लिखूं, मैं ऐसे आपको लिख देता हूं, बी ए डी
जिसको क्लियर होगा प्लीज आप सर क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, आगे बढ़ो जल्दी बताओ। द किचन बैडली नीड्स पेंटिंग, ओके, मोनालिसा वाली पेंटिंग नहीं, दीवार वाली पेंटिंग, दीवारें बोलती हैं, क्लियर एवरीवन, ओके। टू इरर्स, फर्स्ट इरर्स सब्जेक्ट वर्ब, द किचन नीड्स, ओके। देन द पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसके पास में रखो, पीछे भी आते हैं आगे भी आते हैं, पास में लाओ, ओके। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, ओके अच्छा दो क्वेश्चन है यहां पे, सब लोग ट्राई करो क्विकली। इफ आई विल प्ले माय बेस्ट आई कैन विन एनी डे अगेंस्ट एनीबॉडी, ये तो मेरी मेरा फेवरेट है, एवरी डे आई कीप टॉकिंग, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, कंडीशनल सेंटेंस, इतनी सी हिंट मैंने आपको दे दी है, बाकी का आप करेक्ट करके बता दो। इफ वाले एरिया में आज तक कभी भी विल नहीं आया है लेडीज एंड जेंटलमैन, कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो देख लेना दोस्त गाइस, हुआ ठीक है ना, जो अभी इसको वीडियो को ऑफलाइन देखने वाले हैं, आई हैव अ मैसेज फॉर यू, गो टू माई प्ले लिस्ट और सर्च इट, कंडीशनल सेंटेंसेज, कंडीशनल ओके सेंटेंस नरेंद्र सर अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट यूट्यूब पर सर्च करो मिल जाएगा, उसको वॉच कर लेना, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, टोटल 4 होते हैं, ओके। पहला वाला होता है साइंटिफिक स्टोरीज, ये कंडीशन लगाओगे तो रिजल्ट पक्का आएगा, तो प्रेजेंट सिंपल इफ वाले एरिया में, प्रेजेंट सिंपल सेकंड एरिया में, ओके। इधर फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, पॉसिबल सिचुएशन के लिए, लेकिन 100% ट्रू नहीं होती हैं, तो ऐसी स्टोरीज जो पॉसिबल हैं तो इफ वाले एरिया में प्रेजेंट सिंपल होता है कॉमा, इधर वाले एरिया में सिंपल फ्यूचर होता है, ओके। नेक्स्ट वाला सेकंड कंडीशनल इफ अनरियल स्टोरीज, इफ वाले एरिया में पास्ट सिंपल होता है, इधर वुड बी वन होता है, ओके। लास्ट वन इफ वाले एरिया में पास्ट परफेक्ट होता है और इधर हमारा वुड हैव बी 3 होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन आपने नोटिस किया इफ वाले एरिया में मैंने फ्यूचर नहीं बोला है, तो कोई चांस ही नहीं है यार कि इफ वाले एरिया में क्या हो जाए, फ्यूचर हो जाए। अब देखो इधर वाले पार्ट में लिखा हुआ है आई कैन विन एनी डे, ये हमारी इधर वाली क्लॉज क्या है, मैन क्लॉज है, और ये वाली हमारी क्या है, कंडीशन क्लॉज है, इफ क्लॉज है। तो सुनो इधर वाले एरिया में कैन विल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना, हमारी मॉडल से वो आ जाती हैं, बट यहाँ वाले में विल कभी नहीं आता है, तो सॉरी गाइस ये गलत है। तो इसका करेक्शन क्या होने वाला है, इफ आई प्ले माई बेस्ट सिंपल, आई होप मेरी कहानी आपको याद रहेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 टाइप, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, इफ आई प्ले माई बेस्ट आई कैन विन एनी डे अगेंस्ट एनीबॉडी। चलो गाइस आगे चलो, सो आई विल गिव यू कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्विकली He finds fault at everything I do. At everything I do. Okay, maybe कुछ भी हो सकता है दुनिया में। आगे देखो। Simple था ना ये तो? तो he finds fault. He subject finds singular verb. He finds what fault? गलतियाँ, ओके। तो एट नहीं होगा, यहाँ पे दो चीज़ें बन सकती हैं, एक हमारे पास में इन बनेगा और एक बन सकता है विद, लेकिन एट भाई बिल्कुल नहीं बनेगा। ही फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीथिंग आई डू, मैं जो भी करता हूँ उसमें गलतियाँ निकालता है, विद पर्सन के लिए आ जाता है, इन हमारा चीज़ों के लिए आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको भी अभी कर लेते हैं, इन लगा लेते हैं, He finds fault in everything I do. मैं जो भी करता हूँ उसमें ये गलती निकालता है, ladies and gentlemen. Clear? तो कहाँ ये वाला गलत हो गया, आगे बढ़ते हैं। Next. I hope you are enjoying the session and share कर देना। चलो An idea was worth nothing if it has no champion. Okay. ट्राई कर लिया, 30 सेकेंड्स काफ़ी हैं आपके लिए, बिकॉज इतने में तो आप लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हो। ऑलराइट,
चलो सो एक दर्जा 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 टेंस रूल, जब मेरी आप टेंस क्लास पढ़ोगे इस चैनल पर प्लीज़ प्लीज़ वॉच माय टेंस क्लास, ओके पढ़ा रखा, नहीं तो मैं वही क्लास रिवाइज करा दूंगा फिर से, ओके तो रूल्स तो सेम रहने वाले हैं विद डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ कोर्स. व्हेनेवर देयर इज अ ट्रू स्टोरी, ट्रू प्रोवर्ब, ट्रू डेफिनेशन, साइंटिफिक फैक्ट्स, ओके यूनिवर्सल फिनोमिनाज, ट्रूथ्स अगर कोई हो तो प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, तो सुनो, एन आइडिया इज वर्थ नथिंग इफ इट हैज नो चैंपियन. ठीक है, एक आइडिया कुछ भी नहीं है अगर को उसके लिए कोई चैंपियन ना हो, उसको उसको सपोर्ट करने वाला, उसको पोर्ट्रे करने वाला, समझे कि ना आप लोग. चलो, चैंपियन का मतलब है एक आइडिया मैंने दे दिया लेकिन उस आइडिया को रियल करने में जो चैंपियन होता है, तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं. तो आप यूँ समझो, इट्स अ ट्रू स्टोरी, और जब कोई स्टोरी ट्रू होती है तो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है. दैट्स इट, बिकॉज दैट स्टोरी इज स्टिल ट्रू, स्टिल रेलिवेंट, पर्टिनेंट. ऑलराइट, तो हमारे पास में इसको एज कर देते हैं, एन आइडिया इज वर्थ नथिंग. क्लियर, याद रखोगे, नई बात पता चली आपको. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो तो एज कहाँ जाएगा हमारा, ये वाला गलत है. सेवन नंबर ट्राई करो गाइस, सेवन नंबर, एवरीवन ट्राई सेवन नंबर. व्हाट इज द कैंप बिसाइड आवर्स हैज बीन बिल्ट, ठीक है ना, इन 1966 बाय जॉन्स ब्रदर. ओह ये तो सिंपल है, बताओ कौन बोल रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्विक 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 क्विक. यार ये तो पास्ट टेंस स्टोरी हो रही है ना, तो ये नहीं हो सकता, टेंस प्रॉब्लम है. द कैंप बिसाइड आवर्स, इसमें तीन मिस्टेक हो सकती हैं. रेडियो तीनों मिस्टेक सुनने के लिए पहले बता दूँ जो अपनी है, जो 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 राइट नाउ जो मिस्टेक है वो चेक करते हैं. द कैंप बिसाइड्स आवर्स, ठीक है ना, वॉज बिल्ट, इट्स अ पास्ट स्टोरी, तो वी नीड वॉज, नॉट हैज. हैज बीन बिल्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ना 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 ना, तो ये गलत हो गया. द कैंप बिसाइड आवर्स वॉज बिल्ट इन 1966 बाई जॉन्स ब्रदर्स. अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे एस कर दूँ, ओके गलत हो जाएगा. बिसाइड्स मीन्स के अलावा, मोर ओवर, एक्स्ट्रा, इन एडिशन टू दैट. बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू, मतलब आपके पास वाला, पोजीशन पोजीशन, दिस बिसाइड होता है पोजीशन, बिसाइड्स हमारा होता है नेक्स्ट, ओके मतलब इन एडिशन टू, मोर ओवर, एक्स्ट्रा होता है. तो एस और यस पता है ना सबको, वो गलती भी यहाँ पर हो सकती थी. एक और गलती सुनो, द कैंप बिसाइड आवर, आवर एडजेक्टिव होता है और आवर्स प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है. एस और एस में पंगे हो जाते हैं, बी केयरफुल. और ये चीज़ें अगर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही बिकॉज आपका टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है, और जब टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है तो फिर क्यों जिंदा हो तुम, समझ गए ना. फिर आप शिकायत मत करो कि सर मैं फेल हो रहा, मुझे ग्रामर रूल्स भूल जाता हूँ. ठीक है, आपके सामने सबको पता है करेक्ट तरीका होता है, ग्रामर का स्पेलिंग याद करो, GRAMMER, फिर उसमें देखो ग्रामर के टाइप क्या क्या टॉपिक्स हैं, फिर सब टॉपिक्स देखो, सबकी टर्मिनोलॉजी, सबके रूल्स, सबके एग्जांपल्स पता होने चाहिए थे. जब कोई रूल पढ़ा जाए कि वी डू नॉट मेक एक्टिव टू पैसिव ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो जब ये लाइन बोली जाए तो आप ये मत बोलो हैं क्या बोल दिया. यू शुड लाइक हे आई कैन सी दैट वी डू नॉट मेक एक्टिव टू पैसिव ऑफ, एक्टिव से पैसिव टॉपिक आई नो दैट, इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज उन पर ऑब्जेक्ट नहीं होता. वाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट, बिकॉज एक्टिव से पैसिव में ऑब्जेक्ट नेसेसरी होता है. तो ये सारी बातें एक बार में समझ जाओ जब, ठीक है. आप लोग क्यों रूल्स भूलता है, अब तक आपने 10 बार पढ़ रखा है. आपको जब वो टर्म बोला जाता है आपको टर्म पता ही नहीं होता है, तो याद कैसे हो सकता है आपको. वी नीड टू रियलाइज, ओके ग्रामर से प्यार करो, प्यार हो जाएगा, पहले खुद से प्यार करो, अपना एटीट्यूड सही करो, नया तरीका है सीखने का उसे सही करो. ऑलराइट, सो कोशिश करना कि आप खुद को कन्विंस कर लो कि आई स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, वट एवर आई नो ऑलरेडी मैं उसको यूज़ करूँगा, ओके एंड मैं नई कहानियाँ सीखने को रेडी हूँ. आई एम रेडी फॉर द निर्वाणा, आई एम रेडी फॉर द मोक्ष. ऑलराइट, चलो तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला मिस्टेक. 8 नंबर देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स. हे ये तो बहुत सिंपल स्टोरी है. देखो सिंस ऑफ फॉर सबको पता है, आई होप वीडियो सही चल रहा है, नो प्रॉब्लम ना, ओके नो प्रॉब्लम, थैंक गॉड. तो सिंस ऑफ फॉर ये 1000 बार आ चुका है और सबको तो पता है, जो लोग नहीं जानते मैं क्लियर बता देता हूँ. देखो
सेंस यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता हो, पॉइंट ऑफ टाइम पता हो. मतलब आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 PM. तो 2 PM मुझे पता है आफ्टरनून में हुआ होगा, है ना. एग्जैक्ट टाइम पता है कब से बैठा है. अगर मैं आपको बोलूँ आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर टू आवर्स, तो ये 2 आवर्स पता नहीं कौन से वाले हैं. मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नॉट क्लियर ना. जस्ट ड्यूरेशन, जस्ट लेंथ ऑफ टाइम. वी हैव नो आइडिया कौन से 2 आवर्स है. इसका मतलब है जब आपको टाइम पता नहीं है कब स्टार्ट हुआ था, ये पता कितना हुआ, कितना है आपको, क्वांटिटी, अमाउंट, क्वांटिटी, ये सब पता है, कितना लेंथ थी, नंबर पता है आपको, लेकिन ये नहीं पता कब स्टार्ट हुआ था. ओके चलो, तो समझ जाना कि फॉर आएगा. और जब एग्जैक्ट पता हो ट्यूजडे, मंडे, ओके, फेब्रुअरी 1980, जब ये आप ईयर, मंथ, डेट और डे बोलोगे तो पता चल जाता है एग्जैक्ट. तो जब एग्जैक्ट पता चल जाए तो सिंस लगाना. और सिर्फ ड्यूरेशन पता हो, लेंथ पता हो, एग्जैक्ट ना पता हो तो फॉर लगाना. थैंक यू. मेरे को यहां पे क्या चाहिए भाई, फॉर मांगता है, फॉर चाहिए. क्लियर एवरीवन. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. ओके, अब ये वाला फॉर प्रीपोजिशन है. ओके, और ये सिंस और फॉर हमारा यहां पर टाइम वाला दिखा रहा है. चलो, टाइम वाला प्रीपोजिशन है. तो ये तो आप समझ गए, ये वाली मिस्टेक है. सिंस कहाँ है यहाँ पे. चलो 9 नंबर ट्राई करो. 9 सबको दिख रहा है. 9 यस दिख रहा है. देयर बी अ लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इन टू द एग्जीबिशन ग्राउंड. देयर बी, ओके, बी लिखा हुआ है. इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी, क्या होने वाला, आई हैव नो आइडिया. आप लोग बताओ, भाई लोग जल्दी बताओ. ठीक है, अब ये जो पंगा है ना, यहाँ से पता चल गया था सबको. तो अब देखो, बी में क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब होते हैं. पास्ट की स्टोरी है तो इट वॉज, देर वॉज अ लॉन्ग. ओके, पास्ट होता तो देर वॉज अ लॉन्ग क्यू. क्यू मतलब जानते हो, लंबी लाइन, कतार. ओके, अगर प्रेजेंट की है तो देर इज होगा. लेकिन यार ऑक्सिलरी वर्ब लगाओ ना यहाँ पे, तो देर इज अ लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इन टू द एग्जीबिशन राउंड, एक बहुत लंबी लाइन है. अगर पास्ट में था तो देर वॉज, ठीक है ना. तो बी को हटाओ, एज और वॉज लेके आओ. अब टाइम यहाँ पे अंडरस्टूड नहीं है तो कुछ भी लगा सकते, यू आर फ्री, बट वी नीड ऑक्सिलरी वर्ब. थैंक यू. नेक्स्ट देखो, अंटिल यू आर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट इंश्योर योर सेल्फ ऑफ अ गुड फ्यूचर. हाँ, 10 नंबर देखो सब लोग. ओके, until you are in the habit of putting off things you cannot ensure yourself, okay, your time over, suno ab chalo break karte hain. pehle to गाइज, अंटिल और अनलेस में एक स्टोरी है. अंटिल अनलेस दोनों निगेटिव होते हैं. ओके, बोथ निगेटिव. तो उस वाले एरिया में नॉट नहीं आता. उस एरिया का मतलब यहां पे क्लॉज, जिस पार्ट में अंटिल अनलेस लिखा हो उस क्लॉज में नॉट नहीं आता. सेकंड में आ सकता है, सेकंड पार्ट में इज अलाउड, फर्स्ट में नॉट अलाउड. तो अंटिल यू आर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है, एक ये पार्ट है, एक क्लॉज हमारे पास ये है और सेकंड क्लॉज हमारे पास में ये है भाई लोग. ओके, तो याद रखना, आप में से कुछ लोग मिक्स वेज कर देता है. क्या करता है मिक्स, व्हाट यू डू, यू कमिट अ सिन, पाप कर देते हो आप लोग. अंटिल अगर यहाँ पे नॉट लिखा होता इस पार्ट में तो गलत होता. इस वाले पार्ट का नॉट करेक्ट है, इस वाले पार्ट का टच मत करना. इस वाली फैमिली में अंटिल अनलेस जिसमें लिखा होता है उस वाली फैमिली में नॉट नहीं आता है. आई होप इट इज क्लियर. चलो, तो वो गलती तो यहां पे नहीं है. अब नेक्स्ट गलती देखो, नेक्स्ट गलती देखो. देखो पुट ऑफ कहां गया भाई, ये जो है ना पुटिंग ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, डिले, डिले जानते हो ना सब लोग, डिले. हाँ, अंटिल यू आर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट इंश्योर योर सेल्फ, ठीक है ना,
अ गुड फ्यूचर. ऑफ नहीं आएगा. ऑलराइट, तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन समथिंग. तो पुट ऑफ में ओ डबल एफ ओ लगा हुआ है. ये ऑफ यहाँ पे सुपरफ्लूअस है, अननेसेसरी है, नॉट रिक्वायर्ड है. रीड करो सब लोग, बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी. ये ऑफ प्रिपोजिशन जो ये वाला लिखा है ये टोटली इनकरेक्ट है. ये इसकी यहाँ पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. सो यू कैन नॉट इंश्योर योर सेल्फ, यू कैन नॉट इंश्योर योर सेल्फ वॉट अ गुड फ्यूचर. ठीक है, मैंने बोला था ना इंश्योर, हर वर्ब से वॉट और हुम पूछ लिया करो, सही क्लैरिटी आ जाती है. यू कैन नॉट इंश्योर योर सेल्फ वॉट ऑफ ए गुड फ्यूचर. नहीं, यू कैन नॉट इंश्योर योर सेल्फ, तुम खुद के लिए अच्छा नहीं श्योर कर सकते, इंश्योर नहीं कर सकते, सुनिश्चित नहीं कर सकते वॉट अ गुड फ्यूचर. तो ऑफ नहीं चाहिए था. ऑफ किस में लिखा है? ये वाला ऑफ अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड. ऑल राइट, चलो फोर नंबर ट्राई करो. इलेवन नंबर, हाँ इलेवन नंबर. एवरी वन लेट अस वाई टू वन अनदर इन डूइंग सो. ये नया वर्ड है बहुत सारे लोगों के लिए. कितना लोग इस वर्ड को जानता है प्लीज लेट मी नाउ. ये छोटा सा दिख रहा है और वी आई ई एवरी वन सो लेट अस वाई टू वन अनदर. ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारा प्रिपोजिशन का मिस्टेक है. अब देखो वाई का मतलब होता है कंपीट करना, फाइट करना, कंपीट करना. ओके चलो, तो इसको ऐसे लिखो अपनी कॉपी में, Y के साथ लिखो. तीन कहानियाँ हमारे पास में. Y कैन बी फॉलोड बाई प्रिपोजिशन विद, फॉर भी आ सकता है और हमारे पास में टू भी आ सकता है. और अलग अलग बातें, बाई विद हमारे पास में होगा पर्सन, ठीक है ना. कैटरीना कैफ से मैं मिलूंगा भाई, डेट पे मैं जाऊंगा या फिर तू जाएगा. तो दे, ओके दे वाइड, वी आई ई डी, दे वाइड विद ईच अदर. ओके, वो के कैटरीना कैफ से कौन मिलेगा, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन किया उन्होंने कि नहीं भाई मैं मिलूंगा, भाई मैं मिलूंगा. ऑलराइट चलो, तो ये विद हमारा पर्सन हो गया. और फॉर मतलब समथिंग, किसी चीज के लिए. फॉर थिंग वी नीड, वी यूज फॉर. फॉर पर्सन वी नीड, वी यूज विद और टू, ठीक है ना. ये टू आता है हमारा, टू डू समथिंग, कोई एक्टिविटी, टू डू समथिंग. दिस इज टू लगाओ एक्टिविटी, फॉर लगाओ समथिंग. आई एम बाइंग फॉर. चलो दो ब्रदर सिस्टर हैं, राम एंड लक्ष्मण, ब्रदर्स हो गए राम और लक्ष्मण, दोनों क्या हो गए, ब्रदर्स हो गए. ओके, और दोनों को सेम टॉय चाहिए. कौन सा वाला टॉय? ये वाला टॉय. बोल रहा है कि बड़ा अच्छा फ्लिकर है, टच करो स्क्रीन चेंज हो जाती है, आई लाइक इट दिस रिमोट. तो राम एंड लक्ष्मण वर वाइंग, वी वाई आई एन जी, वर वाइंग फॉर दिस रिमोट. उनको सेम टॉय चाहिए था. तो फॉर समथिंग के लिए हमारे पास फॉर आएगा. ओके, कोई एक्टिविटी करनी है तो टू आएगा, पर्सन के लिए वो आएगा. अब चेक करो यहाँ पे क्या आने वाला है, होने क्या वाला है, चेक करो. व्हाट डू वी नीड हियर? हाँ, तो लेट अस बाय विद वन अनदर. अरे भाई लोग, पर्सन है ना, वन अनदर मोर देन टू, तो विद आएगा. थैंक यू. तो गलती कहाँ पे हुई? ये वाली गलती हुई. नेक्स्ट देखो, 12 एवरीवन, 12 देखो सब लोग. द आर्टिकल सजेस्ट दैट when a person is under unusual stress, under stress, you should be especially careful. You should be careful. Okay, you should be especially careful to eat a well-balanced diet. Oh ho ho, बहुत interesting error है. कौन बताएगा? Awesome, awesome. अब पता ही क्या है, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो लास्ट में ये जो यू लिखा था ना वो समझ में नहीं आया. द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन सिंगुलर और रैंडम पर्सन, नॉर्मल पर्सन,
any random person, general, in a general, generic way. So when a person is under unusual stress, ठीक है, तो you नहीं बोल सकते, he or she लिखो भाई लोग यहाँ पे, okay, he or she. You तो plural के sense में भी चला जाता है, तो ambiguity हो जाएगी, not clear हो जाएगा. तो when a person, okay, sleeps less than 6 hours a day, he or she might suffer from, I don't know, cancer. Google पर जाओ, हर चीज का, not sleeping properly, what are the symptoms? You might have cancer. किसी ने notice किया है? Google पे सर्दी जुकाम हो गया, cancer हो जाएगा किसी न किसी चीज का आपको. वहाँ पे हर चीज का symptom cancer ही होता है. कितने लोगों ने notice किया? बताना मुझे. चलो ठीक है. तो वहाँ पे he और she चाहिए, you नहीं चाहिए. चलो next देखो. 13. अब मैं थोड़ा सा speed करने वाला हूँ. मुझे बहुत कुछ कराना था. The results of the survey were fairly disappointing. Hey, सुनो. चलो पहले आप कर लो. Quickly. अब मैं आपको बहुत कम time देने वाला हूँ. Quickly लिखो, please लिखो राइट में. एक तो हमारे पास में होता है fairly, एक हमारे पास में होता है rather. Guys, rather and dadar haveli, dadar, R-A-T-H-E-R. Rather आता है negative story में, fairly आता है positive story में, fair and lovely, positive story. तो सुनो, the result of the survey were. तो this sentence, the tone of the sentence, positive negative, please बताओ, positive negative, comment करो, comment करो. I'm going to check your comments. Of course, negative, disappoint is negative, na? So for negative, what do we need? Do we need rather or do we need fairly? Aapko pata ye jayega. The results of the survey were rather disappointing. Very disappointing. Rather very disappointing. Or rather lagao. Lekin fairly nahi aayega. Agar achha result aata to fairly jata. Fair and lovely se yaad rakhna. Thank you. Next dekho, 14. Some members of the committee were opposed to use the club members' money to redecorate the meeting hall. Chalo bhai log, sab log dekho quickly. Main rukwa tha ek jagah. Sabne check kar liya. So some members of the committee were. किसके लिए हुआ है? सम मेंबर के लिए. गुड. ओके, वर अपोज्ड टू, ओके, यूजिंग जेरेंड. क्या बना है हमारा ये जेरेंड? हमें यहां पर जेरेंड चाहिए. अपोज्ड टू के बाद में क्या आता है? जेरेंड आता है. अपोज्ड टू यूज, यूज तो वर्ब होती है भाई. अपोज्ड टू व्हाट? और व्हाट से जब आंसर चाहिए तो वर्ब नहीं मिलेगा. वर्ब से आंसर पूछ के वर्ब नहीं मांगता है. वर्ब से क्वेश्चन पूछ के नाउन मांगता है. और नाउन कौन होते हैं? नाउन जेरंड होते हैं. चलो, तो वहां पे अपोज टू यूजिंग, और यूजिंग यहां पे वर्ब नहीं है भाई लोग, जेरंड है, नाउन है. जेरंड और नाउन, पार्टिसिपल प्रेजेंट, ये सब जानना है तो मेरी वर्ब क्लास पढ़ लो, प्लस कोर्स पर पढ़ लो, डिटेल पढ़ लो. ओके, और वो मैं एक स्टोरी के थ्रू बताता हूँ. ऐसा नहीं है कि एक रूल बता दिया खत्म हो गया. 1 आवर लॉन्ग स्टोरी होगी तब जाकर के सब कहानियां पकड़ोगे, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे. ऑल राइट, I don't want you to be confused. तो वहां पर using होगा. अब using इसमें कहां गलत है? ये गलत है. Next देखो, I forbid you, अरे, not to go there again. ये भी तो बहुत सिंपल स्टोरी है. चलो, हाँ, आप आराम से देखो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. पहली बात सुनो, दो दो मिस्टेक हैं. ये जो फॉरबिड है, इसका मतलब होता है नॉट अलाउ, मना कर देना, नॉट अलाउ. तो भाई लोग, इसमें तो नॉट ऑलरेडी आ गया ना, तो ये नॉट नहीं आ सकता, सुपरफ्लुअस. फॉरबिड का मतलब होता है मना कर देना, नॉट अलाउड. क्लियर एवरीवन? तो ठीक है, ये गया. तो आई फॉरबिड यू, ठीक है ना, आई फॉरबिड यू, ठीक है ना. तो देखो क्या जाएगा, आई फॉरबिड यू फ्रॉम गोइंग देयर. ओके, और फॉरबिड के बाद में टू नहीं आता, मतलब इनफिनिटिव नहीं आता, क्या आता? जेरंड आता है. तो आई फॉरबिड, फॉरबिड फ्रॉम, आई एन जी.
मैं जिस दिन प्रिपोजिशन पढ़ाऊँ तो मैं आपको 20 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ाने वाला हूँ. फिक्स्ड वर्ड, ओके, फिक्स्ड वर्ड जैसे रिफ्रेन होता है, रिफ्रेन, रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग देयर, रिफ्रेन फ्रॉम स्लीपिंग, रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग, रिफ्रेन फ्रॉम लविंग. तो रिफ्रेन एक वर्ड है. फिक्स्ड प्रिपोजिशन फ्रॉम अहोक है. एंड देन जेरंड इज ऑल्सो फिक्स्ड. ऐसी लगभग 20 स्टोरीज हैं. तो आप डेली वॉच करते रहना, आपको पता चलता रहेगा. जरूर बताऊंगा. उनमें से एक फॉरबिड भी है. तो फॉरबिड फ्रॉम आईएनजी, अगर वो पता होता तो ये सब बताना नहीं पड़ता. अभी सब कुछ मैंने प्रिपोजिशन में पढ़ा रखा है. ठीक है, पढ़ो आप लोग, पढ़ते रहो, ट्राई करते रहो. सो तो आई फॉरबिड यू फ्रॉम गोइंग देयर अगेन. क्लियर? चलो ट्राई करो, 60 नंबर ट्राई करो सब लोग. All right. ये तो सिंपल है ये वाला भी. वी रिसीव्ड मच हेल्प फ्रॉम द नेवर्स. देखो जब एक स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है ना, नॉर्मल सेंटेंस स्टेटमेंट समझते हो ना, आई वांट टू ईट अ चॉकलेट, इट्स अ स्टेटमेंट. ओके, वी वर 20 पीपल, इट्स अ स्टेटमेंट क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन. जब नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो मच नहीं लगाते हम लोग, उसकी जगह हम लोग अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ लगाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं. ठीक है, अ लॉट ऑफ, या फिर हम लोग लिख सकते हैं LOTS, लॉट्स ऑफ. तो लिख लो अपनी डायरी में, इन स्टेटमेंट क्वेश्चंस यूज लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ इन प्लेस ऑफ मच. ठीक है, सो वी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द नेवर्स. देर इज नॉट मच दैट यू कैन डू. अब यहाँ नेगेटिव हो गया, मच आ गया. ऑलराइट, इंटरोगेटिव मच आ जाएगा. बट स्टेटमेंट में हमारे पास में क्या रहेगा, लॉट, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ. चलो, तो हमारा मच वाला गलत हो गया भाई. मच कहाँ है, ये रहा. अभी आपको नहीं पता था इसको, आप नो एरर करने वाले थे. आई नो, इट्स अ ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू. 70 नंबर सब लोग देखो. ही लुक्ड अपॉन मी आई टू आई, ही लुक्ड अपॉन मी आई टू आई फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक. गाइज, एक फ्रेजल वर्ब होती है लुक, ठीक है ना. ओके, हाँ, लुक अपॉन एक होती है, लुक डाउन अपॉन होती है. और हम यहाँ पे प्रिपोजिशन ऐड चाहिए, क्या चाहिए, डाउन चाहिए, वो चेक करो. अगर हम किसी पे बहुत गंदा सोच रहे होते हैं, गंदा देख रहे होते हैं किसी को, तो वो हमारा क्या होता है, लुक डाउन. ही लुक डाउन अपॉन मी, मतलब मेरे को बहुत गंदी नज़र से देखा. आई एम पुअर, आई एम डिसगस्टिंग, ऐसे देखा उसने. चलो यहाँ चेक करो कौन सा वाला जा रहा है क्विकली. ठीक है, तो लुक अपॉन, जैसे कि आई लुक अपॉन डॉक्टर कलाम, तो उनको हम एक सर्टेन तरीके से रिगार्ड करते हैं, तो वो जाएगा. लेकिन आपको पता है यहाँ पे एट आएगा, लुक एट मी, याद है ना, लेबल आइट, उसने आंखें मिला के देखा मुझे. तो करेक्ट प्रिपोजिशन यहाँ पे क्या है, ही लुक्ड एट मी. लुक अपॉन होता है टू लुक एट समबडी इन अ सर्टेन वे, टू कंसिडर समबडी, ओके, इन अ सर्टेन वे. बट यहाँ पे हमारा क्या है, लेबल दिखाने की बात हो रही है. ही लुक्ड एट मी, ही लुक्ड एट मी आई टू आई, ओके, आंखें डाल के देखा. फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक, तो ये एट चाहिए था. वैसे आपको समझ में आ गया था. ऑलराइट, 18 वाला ट्राई करो. एज पर द इन्विटेशन कार्ड, रहीम मैरिज विद सायरा ऑन 30th दिसंबर मंडे. सब लोग देखो, एज पर आर इन्विटेशन, रहीम मैरिज ऑन 30th दिसंबर मंडे, मतलब वो शादी करने वाला है फ्यूचर में. और ये हमारे पास में क्या, प्रेजेंट लिखा हुआ है. तो क्या लगता है, गलत है कि नहीं? एज पर द इन्विटेशन कार्ड, रहीम, ओके, विल मैरी, SAYRA,
ठीक है ना, और मैं रहीम भी लिख देता हूँ, आर ए एच आई एम, तो रहीम विल मैरी सायरा, मैरी विद गलत होता है भाई, ठीक है ना, रोहित शर्मा मैरीज, रोहित शर्मा विल मैरी, क्या नाम है, प्रियंका, आई डोंट नो, वॉट एवर हर नेम इज, ओके, चलो, तो रोहित शर्मा विल मैरी विद नहीं होगा, रोहित शर्मा विल मैरी प्रियंका, समझिए आप लोग, क्लियर, विद नहीं आता, तो यहाँ पे हमारे पास में टेंस गलत है, पहले वो तो फ्यूचर क्यों आ रहा है भाई, देखो फ्यूचर में तो शादी करेगा ना, डेट भी आ रखी है, डेट फिक्स हो गई है, कार्ड भी छप गए, हलवाई भी बुक हो गया है, एज पर द इन्विटेशन कार्ड, रहीम विल मैरी सायरा ऑन 30th December मंडे, नेक्स्ट नेक्स्ट ट्राई करो एवरीवन, आई वॉज कन्विंस पास्ट टेंस, आई वॉज कन्विंस दैट द ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू डू एवर, द ओनली थिंग आई वॉन्टेड पास्ट पास्ट, मेरा दिल कह रहा है कि पास्ट दे दो मुझे, ठीक है, डू एवर इज वॉज टू राइट नॉवल्स, ओके, सीरीज ऑफ इवेंट्स, वन इवेंट, पास सिंपल पास सिंपल पास सिंपल, पैरेललिज्म, प्लीज टाइप पैरेललिज्म इफ यू एग्री कि सर 19 पैरेललिज्म, वी गॉट इट, सर हम आपकी ओल्ड स्टूडेंट हैं, ये तो हमारी बच्चों वाला गेम था, ऑलराइट, चलो इवन माय डॉगी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इवन माय डॉगी नोज, वो मेरे साथ आपका वीडियो देखता है, उसको भी पैरेललिज्म पता चल गया सर अब तो, ऑलराइट, चलो, आई वॉज कन्विंस दैट द ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू डू इज वॉज टू राइट नॉवल्स, इस वाला एरिया गलत है, 20 ट्राई करो 20, दिस बुक इज डिफरेंट देन दैट, गाइस सुनो, डिफरेंट के बाद में हमारे पास में क्या आता है, फ्रॉम आता है, ओल्ड इंग्लिश में, देखो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या करता है, इवॉल्व होता रहता है, हर कल्चर के नए नए वर्ड्स आते रहते, वॉट एवर सेल्फी या फिर कोई सा भी जुगाड़, ओके, जय हो, तो ये जो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं जो पूरी कल्चर उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर डिक्शनरी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसको वर्ड बना देती है, तो ऐसे ही हर साल नए नए वर्ड ऐड होते रहते हैं, आपको पता है फन फैक्ट, आई रिमेंबर इन 2012 आई गेस और 10 और 11, ओके, इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 1 मिलियन वर्ड्स हुए थे, आज गूगल कर लेना कितने हैं, तो ठीक है तब से तो बहुत ऐड हो गए होंगे, हर साल ऐड होते हैं, हर साल एक नया पब्लिकेशन आता है, ठीक है, और कौन सा नए नए वर्ड ऐड हुए हैं जो सबसे पॉपुलर वन वो भी लिस्ट आती है, तो देखा करो अच्छा लगता है, तो उस टाइम में मुझे याद है जय हो और बेब 2.0 और एक और वर्ड था जिसमें कंपटीशन हुई थी 1 मिलियंथ वर्ड बनने की, ठीक है, अब चेक करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि 1 मिलियंथ वर्ड, 10 लाखवां वर्ड कौन बना था, बेब 2.0 बना था या फिर जय हो बना था, हमारी मूवी जय हो ए आर रहमान साहब, एज मुझे बताना इसको, ठीक है, कमेंट भी बताना, ऑफलाइन वाले लोग भी बताना, चेक करते हैं कितना लोग जानते हैं, एनी वे, सो दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम, तो ओल्ड इंग्लिश जो हुआ करती थी उसमें डिफरेंट देन भी चलता था, लेकिन राइट नाउ, ठीक है, देन इज कंसिडर्ड ऑकवर्ड, डिफरेंट फ्रॉम होता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, तो प्लीज लिख लो डिफरेंट फ्रॉम, बिटवीन एंड होता है, फ्रॉम टू होता है, याद है ना सबको पेयर, प्लीज लिख लो साथ में, बिटवीन और एंड इज अ फ्रेंड से फ्रेंड से फ्रेंड फ्रेंड, फ्रॉम फॉलोड बाई टू, डिफरेंट फॉलोड बाई फ्रॉम, क्लियर, नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया ना, हाँ 21 देखो, सब लोग देखो क्विकली, रिचेज आर अनसर्टन थिंग्स, रिचेज द मनी पैसा लग्जरीज आर अनसर्टन थिंग्स एंड द फेम दैट पावर गिव्स, हे द फेम दैट पावर, तो क्या होगा, गिव्स होगा, दिख रहा है सबको, रिचेज प्लूरल है, द लग्जरी आइटम एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग प्लूरल सेंस, और फेम सिंगुलर, ओके, एंड द फेम दैट पावर, पावर क्या देता है, फेम देता है, फेम सिंगुलर है, तो गिफ्ट होगा,
और कैसे पता चला? ये कितने लोगों को दिखाता और मैंने बता रखा है फैन बॉयज, हाउ मेनी ऑफ यू नो फैन बॉयज, प्लीज टाइप इन कमेंट सेक्शन, यस सर वी आर योर स्टूडेंट। हमने सर आपका कंजक्शन का फ्री वाला वीडियो यस यूट्यूब पर देखा हुआ है कंजक्शन, और आपने वहाँ पे पढ़ा रखा है फैन बॉयज फॉर एंड नॉर बट और यट सो सेवन बेसिक कंजक्शंस। ओके, उन सेवन बेसिक कंजक्शन में हमारे पास में ये जो सेवन बेसिक कंजक्शन क्या करते हैं, पैरेललिज्म करते हैं, सेम स्ट्रक्चर बोथ साइड करते हैं। इधर देखो एज लिखा है, सिंगुलर लिखा है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर मांगता है, थैंक यू। चलो नेक्स्ट देखो 22, एवरीवन 22, द डॉक्टर आस्क्ड, ओके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर मैं इधर से करता हूँ, आप पढ़ो तब तक। ये भी बहुत मस्त एरर है, और अगर आज आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, कौन सा वाला वीडियो, 12 बजे वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इन्फिनेटिव वाली एरर पढ़ाई थी, जो एरर जो ग्रामर रूल मैंने 12 बजे पढ़ाया है वो इस वीडियो में चल रहा है। चलो प्लीज़ देखना, आज मेरा आज जो वीडियो पब्लिश हुआ जरूर देखना। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट्स टू टेक, एक हमारा क्या है इनफिनिटिव है, टू टीच, टू डांस, टू स्लीप, इन्फिनिटिव होता है, वी डू नॉट स्प्लिट इन्फिनिटिव, हम उनको ब्रेक नहीं करते, ये लव बर्ड्स हैं, लैला मजनू है, ये साथ में रहेंगे, इनके बीच में कोई नहीं आएगा। माय पॉइंट इज ये रेगुलरली यहाँ पे गलत है। ओके तो टू टेक साथ में रखो, रेगुलरली कहीं और ले जाओ, आई डोंट नो, सॉरी गाइस सॉरी, कहीं भी ले जाओ, समझ गए आप लोग? याद रखना मैंने जो रूल्स पढ़ाता हूँ उसी पे एरर होती हैं भाई लोग, तो बिलीव कर लो, और पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, और रिवाइज कर लो बार बार, और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपको सेम कहानी सुनाता रहूँगा, ठीक है। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट्स टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली, तो इस रेगुलरली को यहाँ ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, आई डोंट केयर, टू और टेक को दूर मत करो, दे आर लव बर्ड्स। चलो तो एक रूल है, वी डू नॉट स्प्लिट SPLIT, उन्हें हम अलग नहीं करते, किसको, इनफिनिटिव्स को। अच्छा हाँ एक और बात, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है आज जो पब्लिश हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स वाला, और उसमें ये रूल था, अगर आपने देखा है तो बोलो, शान से बोलो, यस सर मैंने देखा है। नेक्स्ट देखो, डिड यू हेयर मैनी न्यूज अबाउट द पोलिटिकल सिचुएशन व्हेन यू वर इन दैट कंट्री, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई, सब लोग देखो क्विकली, बताओ क्या होने वाला है। एंड गाइस प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को सबके साथ में, ओके जितना क्वेश्चन हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। मैं तो सोचा था पूरे लेकर आऊंगा आपको 50 क्वेश्चंस, बट एक्चुअली आई होप यू आर लविंग द डिस्कशन पार्ट। पहले कितने लोगों को पता है कि न्यूज़ हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो न्यूज़ क्या क्या होता है, आई हर्ड ठीक है ना, तो न्यूज़ अनकाउंटेबल होता है, और मैंने हमारे पास में क्या है, नंबर शो करता है, एडजेक्टिव नंबर वाला, सॉरी, अरे नंबर तो वहाँ आता है जब चीज़ें काउंटेबल होती हैं, जब चीज़ें अनकाउंटेबल होती तो नंबर नहीं होता, वह क्वांटिटी होती है। तो बेसिकली आप यहां पे करो, डिड यू हेयर एनी न्यूज, सम और एनी, सम हमारा जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आता है, ये हमारा इंटरोगेटिव है तो यहां पे एनी आएगा, तो डिड यू हेयर एनी न्यूज, मैनी तो हमारा नंबर है और नंबर न्यूज के साथ में नहीं आ सकता, वाई, बिकॉज न्यूज इज अनकाउंटेबल, थैंक यू। 24 देखो, 24 एवरीवन 24, आई मेंट टू रिपेयर द रेडियो बट आई हैडन्ट टाइम टू डू इट टुडे, हैड नॉट टाइम टू डू इट टुडे, आई मेंट, कुछ तो गड़बड़ है भाई लोग, या सब ठीक है, देखो जरा एक बार करो वेरीफाई सब लोग। एक बात बताओ, टुडे लिखा है तो क्या हेड हो सकता है, नो हैव लगाओ ना,
I meant to repair the radio. मेरा इरादा था कि मैं ये रेडियो सही करूँगा, मतलब पास्ट में मॉर्निंग में मेरा इंटेंशन था. ओके, आई मैंट टू रिपेयर द, आई मैंट टू कॉल यू बट आई हैवन, बट आई, ठीक है ना, हैव नो टाइम टू डू इट टुडे, बट मेरे पास में कोई टाइम नहीं था. ठीक है, चलो टुडे मुझे बता रहा है, प्रेजेंट की बात है, तो भाई लोग यहाँ पे हैव लगा दो. हाँ, बट आई हैव नो टाइम टू डू इट टुडे. क्लियर हो गया सबको? हाँ. नेक्स्ट देखो, 25. The heavyweight fighter was knocking out, okay, in one punch. Hey, was plus V3. Oh, passive structure. We call it passive structure. Passive voice, जब पढ़ाऊँ तो पूरी दुनिया को साथ लेके आना. Indirect, direct ना, जब पढ़ाऊँ पूरी दुनिया को लेके आना, verb topic को. Your mind will blow, okay? You will be amazed कि कैसे हम लोग सेकेंड्स में एरर भी पकड़ सकते हैं उसकी, और कैसे हम लोग उसका सेकेंड्स में आंसर कर सकते हैं. SSCGL में 30 आते हैं और मैं आपको 5-6 मिनट्स में 30 आंसर करेक्ट करने की गारंटी देता हूँ. नहीं तो खुद पढ़ लेना और फिर खुद करना जा करके, कोई सा प्रीवियस पेपर उठा लेना 5-6-7 मिनट में, 8 मिनट्स में. लोग 30 मिनट को 30 मिनट में, 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करेंगे, वो भी गलत भी कर सकते हैं. आप लोग बंद थर्ड टाइम में लोगे और मार्क्स पूरे 100 लोगे. चलो, ये तो सबको क्लियर हो गया. हाँ, सो द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉक्ड आउट, यहाँ क्या लगेगा, ईडी लगेगा, नॉक्ड आउट. हाँ, चलो ये सबको क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम हैव बीन एबल टू रिज्यूम नॉर्मल लाइफ. All right, all right, all right. अब यहाँ पे देखो, नाउन्स देखो, आर्टिकल्स देखो, सब्जेक्ट वर्ब देखो, प्लूरल सिंगुलर प्लूरल देखो, कुछ तो पकड़ में आएगा. ठीक है, अब ये आर्टिकल की एरर है, मैं बताता हूँ कैसे. An insight, okay? Insight मतलब an idea, an wisdom, okay? मतलब कुछ भी, एक idea, एक wisdom वाली बात है, किसी की advice, okay? ये कहानी definite है या indefinite है, ये check करो. ठीक है, thanks to an insight and person of the local doctor, local doctor का एक जो brilliant idea था, okay? और उसकी जो परसिस्टेंस थी, जो कंटिन्यू लगातार करता रहा, ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम नॉर्मल लाइफ. और वहाँ पे जो फ्लड आई या फिर जो भी कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ उसकी वजह से, तो वहाँ पे लोगों की नॉर्मल लाइफ आ गई. एक फ्लड हुआ, लोगों की लाइफ ख़राब हो गई थी, लेकिन एक डॉक्टर था लोकल, उसका परसिस्टेंस एफर्ट रहा. तो एन इनसाइट होगा कि द इनसाइट होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट सम डेफिनेट स्टोरी लेडीज एंड जेंटलमैन. तो एन होता है जस्ट नॉर्मल, एन इनसाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, नॉर्मल एन इनसाइटफुल. नाउ नॉट, लेकिन यहां पे तो डेफिनेट बात हो रही है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनसाइट. और एक और बात, दूसरा एक्सप्लेनेशन ये सुनो कि हमारे पास इनसाइट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अरे ए और एन कहां आता है? काउंटेबल एंड काउंटेबल में, काउंटेबल में आता है. समझे कि नहीं आप लोग? जब हम एक चीज़ की दिखाते हैं और इनसाइट हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे द लगाओ. लेकिन मैं सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन यही दूंगा आपको कि हे, वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर आइडिया, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर ट्रिक, जिस ट्रिक ने लोगों की लाइफ जान बचाई, वो एन नहीं थी, वो द ट्रिक थी, सम डेफिनेट. थैंक यू. ओके, थैंक्स टू द इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, डेफिनेटनेस की बात कर रहे हैं हम लोग. ओके, और देख लेते हैं टू क्वेश्चंस. In 20 racks, 5 lives were fortunately lost. Okay. सब लोग देखो इसमें क्या होने वाला है. Quickly. हाँ. अरे हाँ. ठीक है ना. In 20 racks, 5 lives were unfortunately. ये क्या जाएगा? Unfortunately. Hey, fortunately होता है भाग्यवश. थैंक गॉड मर गए. बट नो 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 नो, एनी एक्सीडेंट इज नॉट थैंक गॉड.
जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो अनफॉर्चुनेट होता है, दुर्भाग्यवश होता है. ओके, सो व्हाट डू वी नीड हियर? अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट. फॉर्चुनेटली नहीं, क्या? अनफॉर्चुनेटली. क्लियर एवरीवन? चलो अब टाइम अप हो गया. सो आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस गाइस, बट नो प्रॉब्लम. आप क्या करो, पढ़ते रहो. रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको कंटिन्यू किसी क्लास में. और हर रोज मेरा ये कहानी तो मिस मत करो, 12 बजे वाला, रात को 9 से 11 जो चलना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, इसमें हम लोग हर कुछ करने वाले हैं. फ्रेज कनेक्टर, मैच द कॉलम, सेंटेंस जंबल, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ कराने वाला मैं आपको. और एरर डिटेक्शन तो बहुत सारा चलेगा, फिलर्स भी चलेंगे. और 12 बजे वाले में मैं आपको कुछ ना कुछ रूल्स पढ़ाता रहूँगा, कुछ ना कुछ. ओके, ईडियम्स, ओके, फ्रेजल वर्ब्स, जो आप सब परेशान हो जाते हो. ठीक है ना, लुक एट, लुक ऑन, लुक अपॉन, लुक डाउन, क्या डिफरेंस है इनमें, ये कहानियाँ पढ़ते रहेंगे. और दोज गाइज, ओके, जो मेरा प्लस कोर्स परचेज करना चाहते हैं और पूरी 130 डेज में और टू मंथ्स में कंप्लीट इंग्लिश को रिवाइज, लर्न, सब कुछ कर लेना चाहते हैं, यूज़ माई कूपन को नरेन लाइव, गेट 10% डिस्काउंट. एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो जितने भी इंग्लिश टीचर हैं उनको भी देख सकते हो, मैथ, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन देख सकते हो. ऑलराइट, एंड लाइव डाउट क्लास भी होंगी, टेस्ट सीरीज भी होने वाला है. तो गाइज, ऑल द बेस्ट. ओके, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन. और ये जो लिंक है हमारे ग्रुप का, ये जो हमारे यूट्यूब चैनल का, सबके साथ शेयर करो. लेट एवरीवन नो कि ब्यूटीफुल स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं, बहुत ऑसम ट्रिक्स होती हैं. मेरे जितने भी फर्स्ट 30-40 वीडियोज़ हैं उनका लिंक सबके साथ शेयर कर दिया करो. ओके, उसमें क्या ट्रिक्स बहुत पढ़ा रखी है मैंने, वो डेडिकेटेड है. अभी तो क्या मिक्स चलता है क्योंकि आपने सीख रखा है. आपको फिर से मैं ट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो दोस्त गाइस जो फर्स्ट टाइम वॉच करते हैं, आपको क्या करना है पता चल गया ना, गो टू माई प्ले लिस्ट, फर्स्ट 30 वीडियोज़ देखो. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट.